दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल। एक और बहुत बुरी खबर आई है, बहुत बुरी खबर। बॉलीवुड के, हिंदी फिल्म जगत के बहुत ही महान संगीतकार, 90s के सरताज नदीम श्रवण के श्रवण राठौड़ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही बुरी खबर। श्रवण जी पता नहीं क्या क्या दिखाएगा ये वक्त। इतने बड़े, इतने महान संगीतकार, क्या क्या नजराने दिए, कैसे कैसे गाने दिए आपने। संगीत जगत आपको कभी नहीं भुला पाएगा, हम जैसे फैन जो आपके भक्त है, बहुत बड़ा सदमा है मेरे लिए, क्योंकि आपके साथ बहुत वक्त गुजारा है। प्रोग्राम करने का मौका मिला, कई सारे प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला, आप मुझे बहुत प्यार करते थे, ये मेरा सौभाग्य है। आप मेरे लिए पिता तुल्य थे, भ्राता तुल्य, गुरु तुल्य थे। मेरे घर पर आकर कई बार आपने मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया। श्रवण जी, आपका नाम जैसा श्रवण था वैसे ही आप श्रवणीय थे। बहुत मधुर बात करते थे, बहुत मीठी बातें करते थे, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बातें करते थे। लेकिन इस कोरोना ने, इस काल ने, इस मृत्यु काल, इस मनहूस काल ने आपको हमसे छीन लिया। श्रवण जी, मेरी तरफ से दिल से श्रद्धांजलि, मन से श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लेकिन फिर वही कहूंगा, आप जैसे कलाकार, आप जैसे संगीतकार, आप जैसे म्यूजिशियन सिर्फ शारीरिक रूप से दुनिया से जाते हैं, आप हमेशा अपने काम के जरिए, अपने स्वभाव के जरिए, अपनी अनमोल यादों के जरिए हम सब के साथ सदैव रहेंगे। और हम सब संगीत के चाहने वालों को, आपके भक्तों को, आप हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। श्रवण जी, मेरा बहुत ही बड़ा लॉस है, मैं इसको मानता हूं, बहुत बड़ा लॉस। यहां इंसान विवश हो जाता है, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई नहीं सुन रहा है, भगवान नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। श्रवण जी अपना ख्याल रखिए, भगवान आपके आत्मा को शांति दे। आपने बहुत खुशियां दी, बहुत आनंद दिया, बहुत अच्छा काम लोगों को दिया है। ईश्वर आपको भी अपने चरणों में हमेशा वैसे ही खुश रखे, हमेशा आपकी आत्मा को, आपकी रूह को सुकून पहुंचाते रहे। आपका काम।